मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतर्क रहते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। एक हफ्ते के बाद स्थिति को देखते हुए अगस्त में अन्य संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा यदि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहती है तो शालाओं की अन्य कक्षाओं के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर कहा कि वर्तमान में प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। वहीं उन्होंने बताया कि आज केवल 20 कंफर्म केस हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 250 है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निरंतर सजग है और सतर्क रहते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। यदि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहती है तो शालाओं की अन्य कक्षाओं के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के तीनों उद्देश्य ज्ञान दान नागरिकता के बेहतर संस्कार और कौशल विकास को सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आजीविका अर्जन में सक्षम बनाएगी, यह इसकी विशेषता है। उन्होंने कहा शिक्षा केवल राज्य सरकार का दायित्व नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों समाज सेवियों चिंतकों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। राज्य शासन द्वारा शिक्षा गतिविधियों के संचालन के लिए विशेष रूप से मंत्री समूह का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना नियंत्रण में है, परिस्थिति पर हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अभी रोज पॉजिटिव प्रकरण 20 के आसपास पूरे प्रदेश में आ रहे हैं और एक्टिव केस भी हमारे 250 के आसपास है। बाकी गतिविधियां हमने चालू की है। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सावधानियां रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे धीरे-धीरे कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल ठीक। विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण थोड़ा सा पीछे हो जाए, बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, स्कूल संचालक भी परेशान है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी सप्ताह में 4 दिन, 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन एक बैच आएगा, क्योंकि सावधानियां भी जरूरी है। और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आधी क्षमता के साथ बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे। उसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बना रहे हैं और परिस्थितियों पर नजर रखते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे तो फिर हम 9वीं 10वीं और उसके बाद क्रमशः 8वीं 6वीं से 8वीं और फिर हम 1ली से 5वीं तक की क्लासें भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।